कोशिश करेंगे। अब उम्र 20 साल की उम्र में हम लोग भरे थे, अभी हो गया 35 साल 32 साल 34 साल उम्र हो गया। हाँ। तो थोड़ा तो उम्र का तो लेके चलना पड़ेगा ना। अच्छा, ये अगर उस समय से बहाली होती तो उस समय निकाल लेते, उस समय निकाल लेता। हायर सिस्टम, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, सर के बाल उड़ गए, दाढ़ी पक गई, जवानी से बुढ़ापा आ गया, तब जाकर होमगार्ड की बहाली शुरू हुई। जहानाबाद में होमगार्ड बहाली में शामिल होने आए अभ्यर्थियों ने कुछ इसी अंदाज में अपने दिल की बात को बयां किया। जहानाबाद दौड़ने के दौड़ने आए हैं। किस चीज में? बहाली में। अच्छा, तो कब फॉर्म भरते? 2011। अच्छा, तक कितना साल बाद बहाली हो रहा है? लगभग 12 साल बाद। 12 साल। तो इसकी तैयारी कर रखे हैं? तैयारी का की हम, खबर मिला है तो मोटा मोटी किए हुए हैं। टाइम नहीं मिल पाया, टाइम उतना नहीं मिल पाया है। अच्छा, तो कैसे दौड़ पाइएगा? कोशिश करेंगे। अब उम्र 20 साल की उम्र में हम लोग भरे थे, अभी हो गया 35 साल 32 साल 34 साल उम्र हो गया। हाँ। तो थोड़ा तो उम्र का तो लेके चलना पड़ेगा ना। अच्छा, उसमें दिक्कत होगी? दिक्कत, लेकिन फिर भी जोश को बनाए। हाँ, जोश बनाए हुए हैं, वो होना ना होना तो। अच्छा, अगर उस समय से बहाली होती तो उस समय निकाल लेते, उस समय निकाल लेता। जी सर, जी। क्या नाम हुआ? ब्रज किशोर सर। कहाँ से आए हैं? रूपसपुर। बता दें कि जहानाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगातार दूसरे दिन होमगार्ड की बहाली जारी है। आज जहानाबाद प्रखंड के अभ्यर्थी फिजिकल में शामिल हो रहे हैं। शहर के एरोड्राम स्टेडियम में बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बहाली को लेकर सुबह से ही अभ्यर्थियों की सेंटर पर भीड़ लग रही है। वहीं अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन भी काफी एक्टिव दिख रहा है। कुल 10 काउंटर बनाए गए हैं जहां अभ्यर्थियों के जरूरी कागजात की जांच की जा रही है। वहीं बहाली को लेकर चयन समिति के सदस्य और पुलिस कर्मी सेंटर पर मौजूद हैं। बता दें कि आगामी 25 जुलाई तक बहाली की प्रक्रिया चलेगी। बता दें कि 2009 और 2011 में बहाली निकाली गई थी। बहाली की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। लंबे समय बाद शुक्रवार को जिले में बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले दिन एरोड्राम स्टेडियम में अभ्यर्थियों की भीड़ सुबह से ही जुटने लगी थी। पहले दिन हुलासगंज प्रखंड के 1038 अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा में शामिल हुए। अभ्यर्थियों को परेशानी न हो इसके लिए स्टेडियम में कई काउंटर बनाए गए हैं। काउंटर पर ही अभ्यर्थियों को उनका बैच नंबर आवंटित किया गया है। बैच नंबर के आधार पर बहाली की प्रक्रिया हो रही है। 1.6 किलोमीटर की दौड़ में सफल होने के बाद प्रतिभागी अगले प्रतियोगिता लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक में भाग ले सकते हैं। फिजिकल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की देखरेख खुद एसपी दीपक रंजन कर रहे हैं। बता दें कि साल 2011 के जून माह में होमगार्ड की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था। होमगार्ड बनने के लिए 12,044 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, लेकिन बहाली प्रक्रिया अब शुरू हुई है। बता दें कि जिले में होमगार्ड के कुल 229 पदों पर बहाली होनी है, जिसके लिए बहाली प्रक्रिया 25 जुलाई तक चलेगी। जहानाबाद से बोलता बिहार के लिए मुकेश की रिपोर्ट। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।